इंडो नेपाल बॉर्डर के दो सीमा क्षेत्र यानी कि सुनौली सुमौली और दूसरा ठूठी बारी, हमारी मौजूदगी यहाँ पर ठूठी बारी है। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा एसएसबी की तैनाती रहती है। तो 450 किलोमीटर की रेंज में पूरा ये इंडो नेपाल बॉर्डर है, लोग पार कर जाते हैं, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा तैनाती एसएसबी की होती है वहाँ से लोग कैसे पार करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। हमने आपको दिखाया अभी तक कि मैं एक रिपोर्टर के तौर पर नहीं, एक आम इंसान के तौर पर अपने साथ एक टॉय गन लेकर गया, मुझे किसी ने नहीं रोका, उसको लेकर वापस आया, किसी ने नहीं रोका। एक काले रंग की पन्नी लेकर गया, तब भी कोई मुझे नहीं, किसी ने मुझे नहीं रोका। अब हम सीधा सवाल करेंगे एसएसबी के उन जवानों से जो वहाँ उस वक्त तैनात थे, जिन्होंने हमको उस वक्त नहीं रोका, एक हमको जाने दिया विदाउट चेकिंग। आइए यहाँ पर, ये देखिए बैरिकेड है, ये पूरा यहाँ पर आइए स्वागत करते हैं कि बोर्ड लगा है। सामने आप देखेंगे भारत सीमा समाप्त की तस्वीर, आपको कैमरा में नीरज दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे, एसएसबी के जवान एक वहाँ बैठे हैं और एक लोकल पुलिस यहाँ पर है। कुछ जो बड़े वाहन हैं उनकी कुछ हद तक चेकिंग फिर हो भले हो रही है, लेकिन अगर कोई यहाँ से, ये देखिए बाइकर निकला है, बाइकर निकला है, इसको किसी ने कोई नहीं पूछा, ये यहाँ से निकल गया है। एक दो वाहन ज़रूर बड़े रोके जाते हैं, अभी दो बाइक्स और आ रही हैं यहाँ से, हम देखते हैं कि इनको रोका जाएगा। जी नहीं, ये दो बाइक्स हैं, इनके पास झोला भी है, बैग भी है, बैग में इनके क्या है मैं नहीं जानता। ये दोनों बाइक्स निकल गई हैं, दोनों के पास बैग्स हैं, ये बाइक एक और निकल गई है। ये क्यों मैडम, आप लोग को इधर उधर जाती हैं, रोका जाता है नहीं रोका जाता? नहीं, पूछता उछता नहीं है? नहीं, चली जाती हैं सही? पूछे ना, सब नहीं पूछते हैं? पूछे ना। क्या पूछे? मतलब का ले ले बड़ा लोगन। अच्छा, अभी आप जाइए जरा देखें, कोई पूछता ही नहीं पूछता, क्या ले जा रही हैं इसमें? ये आम है, कपड़ा है। कपड़ा है, जाइए जाइए जाइए। तो ये मोहतरमा जा रही हैं, आप देखिए, अभी देखिए लाइव में आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। अब यहाँ से ये निकल गई हैं, इनके पास बैग है, किसी ने कुछ नहीं पूछा है, और ये यहाँ से बाकायदा नेपाल, सामने जो आप देख रहे हैं नेपाल प्रवेश द्वार, ये नेपाल का प्रवेश द्वार है, यहाँ ये एंटर कर रही हैं। और नेपाल से आने वाली गाड़ियाँ भी देखिए आप, ये देखिए ये सब बाइक्स, झोले भी देखिएगा, ये सब जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। भाई भाई भाई, कोई आप लोग यहाँ से नेपाल से भारत जा रहे हैं, कोई रोकता वोकता नहीं पूछता? नहीं, 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 कोई नहीं पूछता है? जवान वगैरह खड़े हैं, कोई नहीं पूछता है? नहीं, कभी कभी पूछता है, कभी मतलब कब आता है? हाँ, जाइए, ये देखिए आपको एकदम लाइव दिखा रहा हूँ तस्वीरें यहाँ से, कि ये आलम है। अभी जो जवान है इनसे भी पूछ ही लेते हैं कि इन्होंने हमें क्यों नहीं रोका जब हम जा रहे थे। आइए कुछ कॉन्स्टेबल्स हैं उनसे बात करते हैं। मैडम थोड़ा सा समय मिलेगा, अभी हम लोग यहाँ से निकले थे, आपने हमको पूछा भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम एक पन्नी लेकर भी यहाँ से निकले, तब भी आपने कुछ नहीं? सर वो हमारा सर जवाब देगा, वो जवाब देंगे, आप नहीं देंगे? नहीं सर, आप भी नहीं देंगे? इनसे बात करते हैं, आइए इनसे ही बात करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। बॉस कहने आपसे बात हो सकती है 2 मिनट सर? दो मिनट लूँगा सर, सर 2 मिनट सर। एक आम आदमी की तरह मैं यहाँ से आया था अभी, किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, फिर मैं एक पन्नी लेकर भी काले रंग की आया, उसको भी किसी ने चेक नहीं किया। मैं अभी बस निकला हूँ, 10-15 मिनट हुआ है। हम तो 10-15 मिनट पहले ही निकले हैं, यही कपड़ा था, यही जैकेट थी हमारी। क्यों सर, सर मैं कुछ नहीं बताऊँ, मैं आप ड्यूटी टाइम में हूँ सर, मेरी ऑन ड्यूटी है सर अभी मेरा, तो इससे पहले कौन था सर ड्यूटी में? आई डोंट नो, मैं तो अभी निकला हूँ 15 मिनट पहले, आप ही लोग थे, आपको तो मैंने देखा भी था, आप थे, आपके साथ दो महिला सहयोगी थी जो वहाँ पर खड़ी थी। कितना टाइम हो गया? आप बड़ी गाड़ी रोक रहे थे पर छोटी गाड़ियाँ नहीं रोक रहे थे, और जो मैं जैसे गया पैदल, किसी गाड़ी को बिना चेकिंग करके नहीं छोड़ते सर। अभी देखिए सामने से बाइक जा रही है सर। सीमा हैदर वाला केस आपने सुना होगा, उसके बाद से क्या कुछ आपको लग रहा है चेंज है? तो आप ये देखिए नाम वगैरह ज़रूर नोट हो रहे हैं, वो सब इनके पास इक्विपमेंट्स हैं, पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि इंडो नेपाल बॉर्डर की जब बात आती है तो क्या इतना आसान है क्रॉस कर जाना? ये देखिए आप सामने तस्वीर देखिए, विजुअल्स देखिए आप, कितना आराम से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग जा रहे हैं, उधर से, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और जब सवाल हम करते हैं तो ये कहा जाता है कि हमारी ड्यूटी नहीं थी, जबकि हमारे हमें आए हुए मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी किसी की ड्यूटी चेंज हो जाती है? सवाल ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितनी भी चीज़ें हों, कितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो, जाँच हो, पूछताछ हो, अगर सीमा ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो आखिर कैसे राष्ट्र को किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सकेगा? सहयोगी अमितेश और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ इंडो पाक बॉर्डर समर्थ आज तक।